नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़शाला। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दोस्तों, कई बार लड़के और लड़कियां प्यार में वो कदम उठा लेते हैं जो उनको मुश्किलों के घेरे में बांध देती है। जी हां, ये खबर उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें महिला और एक लड़के के गर्दन में टायर लटका हुआ है और उसे नाचने को मजबूर किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। खबर मध्य प्रदेश की है, जहां एक युवक और युवती को प्यार में पड़ने के बाद घर से भागने के कारण युवक और युवती के गर्दन में टायर लटकाकर उन्हें प्रताड़ित करने का एक वीडियो सामने आया है। खबर के मुताबिक वीडियो में वो लड़की भी है जिसने इन दोनों प्रेमिकाओं को भागने में मदद किया था। महिला के परिजनों ने तीनों के गले में टायर लटका दिए और लोगों के सामने इन्हें एक गाने पर नाचने को मजबूर कर दिया। ये घटना धार जिले के गांधावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है और इस मामले में 14 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद युवती के पिता, उसके भाई और रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धार जिले के SP आदित्य सिंह ने बताया कि 5 आरोपियों में से 4 को अरेस्ट कर लिया गया है। खास बात यह है कि 19 वर्षीय युवती के साथ जो युवक फरार हुआ था, उसने उसका कुछ साल पहले रेप किया था और उस लड़के पर उस चीज का केस भी दाखिला था, जिसको लेकर परिवार के लोग दुखी थे और इसके कारण तीनों के गले में टायर डालकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार घटनाक्रम में लड़का लड़की के घर से भाग जाने और लड़की की छोटी बहन द्वारा अपनी बड़ी बहन की मदद किए जाने से जुड़ा है। मामले में गांधावनी थाने में आरोपियों पर कल सोमवार को ही अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक को छोड़कर बाकी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत। नमस्कार।